फसल के मुआवजे दिलवाने के एवज में कोटवार ने लिया कमीशन, ग्रामीणों ने पुलिस से की शिकायत। कराहल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहरबानी के ग्रामीणों ने कराहल थाने में आकर एक लिखित शिकायत की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम मेहरबानी के कोटवार द्वारा कई आदिवासियों से फसल के मुआवजे के हजारों रुपए दलाली के नाम पर वसूले गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटवार ने उनसे कहा कि यदि मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मेहरबानी निवासी सुरेश आदिवासी सहित अन्य लोगों ने बताया कि मामला कुछ वर्ष पुराना है, जिसमें कोटवार द्वारा हमारे साथ धोखाधड़ी करके फसल के मुआवजे दिलवाने के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए तक वसूले गए हैं। वह पैसा हमको वापस चाहिए। आज हम कराहल थाने में शिकायत करने आए हैं, इसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। यदि कोटवार पर लगाया गया ये आरोप सच है तो इस मामले में हम तहसील प्रबंधन की भूमिका भी शक के घेरे में आ सकती है। जिन गरीब आदिवासियों के साथ ये धोखाधड़ी की गई है उनमें एक विकलांग व्यक्ति भी शामिल है। मेहरबानी से क्या परेशानी है? जो भी परेशानी है, चौकीदार ने हमारा मामला कर लिया। अच्छा, शिकायत की आपने इसकी? आज कर चुका। कहाँ पर की है? कराल थाने। अच्छा, कितने रुपए ले लिए, मतलब किस बात के पैसे ले लिए? अरे माम जमलो जमीन को, जमीन को फसल खराब हो गई जी को। कब की बात है ये? अगली साल। अच्छा, इससे एक बार पहले क्या क्या कर लिया पैसा? 30 35 लाया। 30 35। मतलब आपको मुआवजे दिलाने के एवज में ले लिया? हाँ, बाकी मामले ले लें। कितने रुपए लिए आपसे? 17 हज़ार। कितना मुआवजा मिलना था आपको? मिलो 2 कम 50 हज़ार मिल गए। और आपसे पैसे ले लिए तो उसके तो आपने तब पैसे क्यों दिए उन्हें? करके मैंने डरवाया आके। नहीं तो आपने फिर आप वापस क्यों मांग रहे हो फिर? वापस का परेशान कर रहा है जबरदस्ती। कोई परेशानी है? बाकी माम जी पैसा अगले साल के 15 हज़ार रुपये लाए। कोतवाली ने? कोतवाल ने। हाँ। तो आपने अगले सालों ने पैसे दिए, तब आपने शिकायत क्यों नहीं की? अरे शिकायत कहाँ है, डरा देते ना करें, उनके मारे कोई बोले तो ही नहीं है। अब आपने शिकायत कहाँ पर की है? अब कराल थाने में। थाने में की है शिकायत? क्या कहा थानेदार ने? थानेदार ने नो कही कि जो आवेदन सुपर कलेक्टर में लगाओ और हम कुछ कार्रवाई हम कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के पास जाओगे? हाँ, कलेक्टर साहब। कितने रुपए लिए आपसे? 15 हज़ार। सुरेश, क्या परेशानी है आपकी? यही परेशानी है, 16 हज़ार रुपया ले लिया आपसे। 16 हज़ार ले लिया? हाँ। पिछली साल? हाँ, पिछले साल के। तो क्या पैसे वापस चाहिए आपको? आप 5 चाहिए साहब। तो अभी आपने जो आवेदन दिया है, क्या कहा है आपसे उन्होंने? सुपर की कही साहब। सुपर में कौन क्या कही है? कलेक्टर साहब। तो क्या आप करेंगे कलेक्टर से शिकायत? करेंगे। आपसे किस बात का पैसा लिया था? मामले के लिए आप दाब दो हाँ। देखे मैं डर बारा, मैं डर बारा हूँ। क्या पैसा दलाली ले ली क्या? हाँ, भोजा। तुम्हारी भी यही परेशानी है? यही परेशानी है सर। कितने रुपए लिए? मुझसे 15 हज़ार ले लेते हैं। 15 हज़ार लिए? हाँ। क्या कहा था लेने से पहले? लेने से पहले जैसे कहा तेरे का पैसा डलवा लिया था, अब पैसा नहीं डलवाए, जिससे पैसा डलवाए जिससे पहले मेरे से 15 हज़ार ले लेते हैं। हाँ, क्या मतलब किस चीज़ का मुआवजा आया था? मुआवजा अपना जमीन का सुगा ऐसे साल फसल नहीं हुई थी नहीं। अच्छा, बाढ़ आई जैसे। कितने रुपए लिए थे आप? 15 हज़ार। मुआवजा कितना मिला आपको? मुआवजा मिला वो 29 हज़ार। इसमें से 15 ले लिया? 15 ले लिया। तो अब आप 1 साल बाद पैसे वापस मांग रहे हो? मांग रहे हैं। अब तक शिकायत तो नहीं की? अरे सर, अब शिकायत कैसे करें, हमें कुछ मिला जब देंगे सर। हाँ, अभी कलेक्टर के पास भी जाएंगे? जाएंगे सर। मेरा राम सूर नाम। क्या हो गया? मामले का पैसा डायरेक्ट ले लेवा। कितने रुपए ले लिए? आधे ले लें। कितने? आधे कितने? 50 हज़ार डाले थे मैं, 25 हज़ार ले लें। आधी मतलब आपसे ले ली, डलवाने के लिए लीजिए पैसे? हाँ, भाई ने डलवाए आपको पैसे चाहिए? हम गरीब आदमी हैं और हमारे मामले अभी खा जाते हैं। हाँ।